गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अरविंदर सिंह मान, पीजीटी कॉमर्स विद आशा परेश। नाउ टुडे वी विल टेक ऑन चैप्टर नंबर 15 एंड रिकॉग्निशन स्टेटमेंट 11 कॉमर्स। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द डिफरेंसेस एंड टू रिकंसील द बैलेंसेस ऑफ द टू बुक्स। ये स्टेटमेंट बनाया जाता है उन डिफरेंसेस को बताने के लिए जिन डिफरेंसेस के कारण दो बुक्स के बैलेंसेस मिल नहीं पाए। अब वो दो बुक्स कौन कौन सी हैं? कैश बुक के पास में तो पालकों को कैश बुक की जो बैलेंसेस किसी कारणवश नहीं मिल पाए, उन बैलेंसेस को मिलाने के लिए हमें बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, वन इज द टाइम गैप एंड अनदर वन इज द एरर्स कमिटेड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग। नाउ सबसे पहला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक। हमने किसी पार्टी को चेक दिया था तो हमने अपना बैलेंस कम कर लिया था, कैश बुक में जो बैलेंस था हमने कम कर लिया था, लेकिन बैंक में तो आया है, बैंक में तो पेमेंट के लिए आया नहीं, तो हमारा जो बैंक का अमाउंट है वो तो बढ़ा हुआ है, लेकिन कैश बुक में जो बैंक वाले का अमाउंट है वो कम हो गया है, इसी वजह से वो बैलेंस हो गया, हमारे यहां तो कम हो गया है, बैंक में बढ़ा हुआ है। नाउ सेकेंड पॉइंट, चेक पेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। हमने कस्टमर का चेक बैंक में जमा कराया था, कैश बुक में तो हमने पैसे बढ़ा दिए लेकिन बैंक में ने उसको क्रेडिट नहीं किया, बैंक में पैसा नहीं बढ़ा। नाउ थर्ड पॉइंट, चेक पेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन बट इज नॉट। हमने चेक बैंक में भेजा था कलेक्शन के लिए, हमने तो अपने यहां क्रेडिट कर लिया, हमारे पैसे तो बढ़ा दिए लेकिन बैंक ने तो उसे डिसऑनर कर दिया, पैसा नहीं बढ़ाया। चौथा, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने हमारे खाते में इंटरेस्ट जमा किया था, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो बैंक में बैंक कॉलम का जो खाता जो अमाउंट है वो बढ़ गया है लेकिन कैश बुक में बैंक कॉलम नहीं बढ़ा है, इस वजह से वो डिफरेंस आया। पांचवा पॉइंट, नाउ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। हमने बैंक में से ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन लिया, उस लोन के ऊपर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। अब बैंक को इंटरेस्ट लेगा ना, अब बैंक ने अगर इंटरेस्ट दिया है तो उसने हमारे अकाउंट को कम कर दिया, लेकिन हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन थी, हमने बैंक के अकाउंट को कम नहीं किया। नाउ सिक्स पॉइंट, बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। हम बैंक से कोई एजेंसी सर्विसेज लेते हैं या कोई कमीशन का काम करते हैं या कोई ड्राफ्ट बनाते हैं या कोई ट्रांसफर अमाउंट है तो बैंक हमसे चार्ज वसूल करता है, तो बैंक जो चार्ज वसूल करता है तो हमारे पैसे काट लेता है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमने बैंक का पैसा नहीं काटा है, इस वजह से वो डिफरेंस आ गया। नाउ डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर टू द बैंक। कई बार क्या होता है कि हमें कस्टमर से पैसे लेने होते हैं तो कस्टमर डायरेक्ट बैंक में जमा कराते हैं, तो इससे क्या होता है कि बैंक में पैसा बढ़ जाता है लेकिन हमारे यहां पैसा नहीं बढ़ता। नाउ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया था जिसके कारण बैलेंस बढ़ गया है, हमारे यहां नहीं बढ़ा था। नाउ डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। हमने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था कि भाई आपको इंश्योरेंस के, रेंट के, सैलरी के पेमेंट करना है, तो बैंक ने टाइम पर वो पेमेंट कर दिया है, तो बैंक में हमारा पैसा कम हो गया लेकिन कैश बुक में हमारा पैसा कम नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ बी पार्ट, एरर कमिट किया है, फर्म भी कर सकता है और बैंक भी कर सकता है। अब किस तरीके एरर्स है? अब एरर्स कमिटेड बाय द फर्म या कुछ एरर्स हैं जो फर्म ने कमिट किए, चेक इशूड टू द क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द। हमने चेक इशू किया था कस्टमर को तो हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं लेकिन बैंक में तो पैसा कट गया, तो बैंक में तो कम हो गया लेकिन कैश बुक में कम नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिटर्न इन द कैश बुक, ये फर्म की गलती है, बैंक की गलती नहीं। फिर उसके बाद हमने टोटली मिस्टेक कर दिया है आपकी बुक्स, तो ये भी पॉसिबल है। अब बैंक क्या मिस्टेक कर सकता है? एरर कमिटेड बाय द बैंक, तो बैंक ये मिस्टेक कर सकता है कि समटाइम्स द बैंक कमिट्स द एरर इन द रॉन्ग, जो कोई
बैंक की वजह से गलती हो सकती है, लेकिन बैंक उसे 24 घंटे में ठीक नहीं कर देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो गलती से हो गया है, तो वो बैलेंस को जो डेबिट किया था उसे क्रेडिट करके उसे खत्म कर देगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।